वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआएं ठीक हूँ, आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफान, जुलेखास किचन से। सो आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ चिकन स्प्रिंग रोल ब्रेड के अंदर। बहुत ही मजेदार बनते हैं, बनाइएगा, मजा आएगा खा के। रमजान के लिए तो बेस्ट रेसिपी है। अच्छा, यही सेम रेसिपी को आप जो स्प्रिंग रोल शीट्स आती है उसमें भी डाल सकते हैं। स्प्रिंग रोल शीट्स आप बाजार की ले सकते हैं या घर की भी बना सकते हैं। वैसे मैंने घर की बनाई है, शीट्स अपने चैनल पर अपलोड किया है कि घर पर शीट्स कैसे बनाते हैं स्प्रिंग रोल की। बहुत ही बढ़िया बनती है। सिर्फ जो शीट्स है आप उसे 3 महीने तक रख सकते हैं फ्रीज करके और फिर खा सकते हैं। और अच्छा, अगर आप उसमें फिल करते हैं, जैसे आपने शीट्स बना ली घर की और उसके अंदर ही आप ये जो वेजिटेबल्स और चिकन फिल करके उसे रोल करके रखते हैं फ्रीज करके, तो वो जो फ्रीज करी हुई वो वाली आप तकरीबन 1-1.5 महीने तक रख के खा सकते हैं। तो है ना मजेदार। सो सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए। ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाए आज की। चलिए, एक कढ़ाई या फ्राई पैन का चूल्हा चालू कर दीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए थोड़ा सा और 1 छोटा चम्मच भर कर कूटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें और इसे 1.5-2 मिनट तक फ्राई कीजिए। मैं थोड़ा स्लो पे रख रही हूँ और आपको सब्जियाँ बता देती हूँ। पहले ये है 1/4 कप बारीक कटा हुआ फरज बीन, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ पीला शिमला मिर्च और 1/4 कप हरा शिमला मिर्च और 1/4 कप लाल शिमला मिर्च और ये है 3/4 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा सब्जियों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, जब लहसुन फ्राई हो जाए तो, बारीक कटा हुआ फरज बीन और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मैंने हल्का सा, आपने देखा था, स्लो पे रख दिया था। अब इसको थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिए और इसे ढक कर पकने रख दीजिए तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, या तब तक पकाएं जब तक स्लो आंच पर ये जो फरज बीन है वो नहीं गल जाती। अच्छा, साइड पर ये मैंने 200 ग्राम चिकन बॉईल करके रखी है, कुछ नहीं, नमक डाला था और पानी डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया, ठंडी हो गई तो श्रेड कर लिया। 3-4 मिनट हो चुकी है, देख लेती हूँ। ये देखिए बराबर से सब्जी गल गई है, ये वाली, चूल्हा स्लो पर ही है। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी डाल देती हूँ, ये लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और गाजर डाल देती हूँ। आप चाहें तो हरी शिमला मिर्च भी अभी ही डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा लेटर डालूंगी क्योंकि थोड़ी सी क्रंचीनेस रहे और कलर भी रिटेन रहे। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और यहाँ पर मैं 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देती हूँ। 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। चिकन जो साइड पर रखी है बॉईल करी हुई, श्रेड करी हुई, वो भी डाल दीजिए और इसे मिक्स कर कर तकरीबन 1/2-1 मिनट तक फ्राई कीजिए। तो जब तक फ्राई करेंगे ना 1/2-1 मिनट में, तो ये जो लाल मिर्ची का पाउडर है ना, ये भी थोड़ा सा अच्छे से भून जाएगा। 1 मिनट हो जाए तो चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और 1 छोटा चम्मच विनेगर, 2 छोटे चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच चिली सॉस डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच टमाटर सॉस डालकर मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही है और इसमें अब आप वो जो साइड पर मैंने रखे हैं मैं वो डाल देती हूँ, शिमला मिर्च बारीक कटे हुए डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और मीडियम पर ही रहने दीजिए। और इसमें जो हल्का भी आपको पानी लग रहा है गीला गीला थोड़ा, तो उसे सुखा लीजिए। तो समझिए ना, 1/2-1 मिनट में तो वो सूख जाएगा। जब आपको लगे हल्का हल्का नीचे लगने जा रहा है तो बस बंद कर दीजिए। मैं चख लेती हूँ, एकदम परफेक्ट। अगर आपको कम लगे स्पाइस तो स्पाइस डाल दीजिए, बैलेंस कम लगे मीठे का तो वो डाल दीजिए, टमाटर सॉस, नमक कम लगे तो नमक और काली मिर्च से एडजस्ट कर लीजिए, सीजनिंग कर लीजिए। मेरा एकदम परफेक्ट है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब इसे ढाकिएगा मत, नहीं तो पानी छूट जाएगा सब्जियों का। और इसे ठंडा हो जाने दीजिए रूम टेम्परेचर पे। तब तक हम दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। ब्रेड्स के सारे जो कट्ठे हैं, जो एजेस हैं, वो सारे इस तरीके से निकाल लीजिए। अब एक ब्रेड लीजिए और इसे बेलन की मदद से इस तरीके से बेल लीजिए। बेलने का मकसद ये है कि चपटे हो जाएंगे ये, तो सारों को इसी तरीके से बेल लीजिए। ये देखिए सारे बेल लिए ना, तो अब एक ब्रेड बेला हुआ लीजिए, उसके बीच में आप ये जो मिक्सचर है चिकन का ये रख दीजिए
और वो जो है वो पानी ही है, सादा पानी है। उसे इस तरीके से पानी को चारों एजेस पे लगा लीजिए और इसे इस तरीके से प्रेस करते जाइए। बहुत ही आराम से कीजिएगा, लाइट हाथों से कीजिएगा कि फटे ना, साइड से भी पानी लगाते जाए चारों ओर से, और इसे इस तरीके से सील कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा एक ब्रेड स्प्रिंग रोल। अच्छा, आप चाहें तो इसी तरीके से सारे बना लें, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से बना रही हूँ। इसी तरीके से एक ब्रेड लीजिए, मिक्सचर बीच में रखिए, और मैं है ना आटे की लई से, जो मिक्सचर है आटे का, उससे मैं इसे सील करूंगी। कुछ नहीं, आटा 1 या 2 टेबल स्पून एक प्याली में डालिए, थोड़ा सा पानी डालकर घोल बना लीजिए, और इसे पानी के बजाय चारों ओर ये लगा लीजिए, और इससे हल्के हाथ से प्रेस कीजिए तो बेटर मुझे ये वाला लगता है। पानी से बार बार खुलने का डर रहता है, इससे क्या एक बार चिपक गया, स्टिक हो गया, तो फिर आप फेविकोल का जोड़ निकलेगा नहीं। तो इसी तरीके से मैं तो सारे बना लेती हूँ। 2 अंडे लीजिए, एक प्याले में डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, 2-3 टेबलस्पून जितना दूध डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंट लीजिए और साइड पर रख दीजिए। ये अंडा है, ये ब्रेड क्रम्स है, और ये सारे अभी जो मैंने वार के रखे हैं स्प्रिंग रोल्स ब्रेड वाले, ये वो हैं। अब एक स्प्रिंग रोल लीजिए ब्रेड वाला, इसे अंडे में अच्छे से डिप कीजिए उलट पलट करते हुए, और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से ऑल ओवर कोट कीजिए उलट पलट करते हुए, और ये बन गया हमारा एक स्प्रिंग रोल, बढ़िया सा ब्रेड वाला। इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे अंडे में डिप करते जाए, ब्रेड में कोट करते जाए और साइड पर रखते जाए। तो चलिए, ये सारे बन चुके हैं, वैसे 13 बने हैं, और बाकी के आप देख सकते हैं वो छोटे छोटे मैंने कबाब शेप दे दिए हैं, क्योंकि पूरी ब्रेड ही खत्म हो गई और दूसरी ब्रेड थी तो वो छोटी थी। लेकिन अगर आप देखने जाएं तो 13 मतलब 14-15 तो आराम से बन सकते हैं। मैंने ज्यादा टाइटली पैक भी नहीं किया है, अंदर मिक्सचर ज्यादा नहीं डाला और ना ही कम डाला है, प्रॉपर मीडियम मिक्सचर डाला है। अब आप चाहें इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर के अंदर। नीचे आप पहले पेपर डाल दीजिए, बटर पेपर, और एक एक करके इन्हें लगा दीजिए हल्के हाथों से, और फिर से एक बटर पेपर रखिए, और फिर से एक एक करके ऊपर लगा दीजिए। इसी तरीके से लेयर पे लेयर लगाकर आप इसे ढक कर डीप फ्रीज मतलब फ्रीजर में रख सकते हैं, तकरीबन 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। मैं वैसे कल खाने वाली हूँ। चलिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, चूल्हा फास्ट आंच पर मैंने चालू कर दिया, तेल अच्छा गर्म हो गया फास्ट आंच पर कढ़ाई के अंदर, तो उसको मीडियम कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सबसे पहले तो मैं एक ट्रायल के लिए डालकर देख रही हूँ कुछ टूट फूट तो नहीं रहा है ना। चलिए, अब इसे मीडियम आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, उलट पलट करते जाए, दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। अब इसी तरीके से 2-2, 3-3 एट अ टाइम डालें, या फिर आपकी पतीली में जितना स्पेस हो उतने डालें, ज्यादा ओवरक्राउडेड मत कीजिएगा, डालिएगा मत इतने ज्यादा बहुत, और 2-2, 3-3 डालें और इन्हें फ्राई करें, और लाइट गोल्डन ब्राउन होए मीडियम आंच पे, उलट पलट करते जाए तो निकाल लें फिर उसे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने स्टोर करके रखा है तो आपको भी स्टोर करके रखना ही है, कुछ नहीं। आप अगर उसी दिन बनाना चाहते हैं फील फ्री, आप उसी दिन फ्राई कर लीजिए। उसी समय आप चाहें वारने के बाद 1 घंटा रख दीजिएगा फ्रीज में, उसके बाद 1 घंटे के बाद फ्राई कर लीजिएगा। चलिए, ये सारे बन चुके हैं माशाल्लाह, ये देखिए क्या क्रिस्पी हुए हैं, एकदम करारे हैं, और तेल भी हाथ में नहीं लग रहा है जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं इन्हें सर्व करती हूँ। ये देखिए, मैं आपको काट के भी एक दिखा देती हूँ। जैसे आप सुन सकते हैं कितने क्रंची है माशाल्लाह। तो इसे गर्मा गर्म चाहे तो टमाटर सॉस या चटनियों के साथ सर्व कीजिए। वैसे कुछ चटनियों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना। मजेदार, मजा आया ना देख कर ही, मुंह में पानी आया ना, तो जरूर बनाइएगा। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए, कंजूसी बहुत कर रहे हैं आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ये वीडियो को लाइक करें, और बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, और अपनी दुआ में खासकर मुझे जरूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।